हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 6। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड श्री यूज़ द कंप्यूटर फॉर। जो श्री थी वो कंप्यूटर किस लिए यूज करती थी। व्हाट डिड शी डू ऑन फ्रेंड नेट्स, वो फ्रेंड नेट पर क्या करती थी। फ्रेंड नेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिससे यूज करके आप चैट कर पाते हो। तो जो सीरी थी वो कंप्यूटर क्यों यूज करती थी और फ्रेंड नेट पर वो क्या करती थी। सीरी यूज द कंप्यूटर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। तो सीरी थी वो एक्चुअली में फ्रेंड नेट एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर का यूज करके वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी एंड सेंड ईमेल्स, और ईमेल्स भी सेंड करने के लिए वो कंप्यूटर यूज कर रही थी। सी चैटेड विथ हर फ्रेंड्स ऑन फ्रेंड नेट, और वो अपने फ्रेंड के साथ चैट करती थी फ्रेंड नेट एप्लीकेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट मेड श्री रिमूव हर स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम हर फ्रेंड नेट ग्रुप। यानी क्या हुआ जो श्री थी अपने फ्रेंड को रिमूव कर देती है फ्रेंड नेट ग्रुप से। अ स्कूल फ्रेंड टीज्ड श्री बाय आस्किंग हर इफ शी डिड एनीथिंग अदर देन इट। यानी कोई फ्रेंड था श्री का, वो क्या करती है, उसको कहती है कि तुम खाने के अलावा कुछ नहीं करती हो, ठीक है। इसी तरह से कह के उसको परेशान करती थी उसकी जो फ्रेंड थी। सो सी गॉट एंग्री एंड रिमूव्ड हर फ्रेंड्स हर स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स नेट ग्रुप। इसीलिए क्या करती है वो, श्री काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने फ्रेंड को, जो स्कूल की फ्रेंड थी, उसको रिमूव कर देती है फ्रेंड नेट ग्रुप से। क्वेश्चन 3 देखते हैं, श्री स्टार्टेड फीलिंग अनइजी अबाउट हर फ्रेंड चैत्र, वाई। जो श्री थी वो काफ़ी अकवर्ड फील कर रही थी अपने फ्रेंड के बारे में जिनका नाम चैत्र था, ऐसा क्यों, वाई। तो आंसर है, श्री स्टार्टेड फीलिंग अनइजी अबाउट हर न्यू ऑनलाइन फ्रेंड चैत्र बिकॉज सी अपीयर टू हैव टोल्ड हर अ लाई। यानी जो श्री थी वो इसलिए अकवर्ड यानी अनइजी फील कर रही थी अपने फ्रेंड के बारे में क्योंकि उसको लग रहा था जो उसका फ्रेंड है, ठीक है, वो झूठ बोल रही है। श्री फाउंड आउट दैट देयर वॉज नो स्कूल नियर हर्स। इसके बाद श्री पता करती है कि उसके अगल बगल कोई दूसरा स्कूल नहीं है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट डिड अक्का से दैट मेड श्री डाउट हर ऑनलाइन फ्रेंड। यानी अक्का ने श्री से क्या कहा कि जो श्री थी वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को लेकर तुरंत डाउट करने लगती है। अक्का सॉ द प्रोफाइल पिक्चर ऑफ श्रीज न्यू फ्रेंड चैत्र एंड टोल्ड हर दैट इट वॉज अ वेरी ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ मधु अ फेमस फिल्म स्टार ऑफ अ टाइम्स। यानी अक्का क्या था कि जो फ्रेंड थी ऑनलाइन श्री का, उसका प्रोफाइल पिक्चर अक्का देखती है और कहती है अरे ये तो बहुत ही ओल्ड फोटोग्राफ है, मतलब बहुत ही पुराना फोटोग्राफ है, और ये जो फोटोग्राफ है हमारे समय की सबसे फेमस एक्ट्रेस थी, ठीक है। दिस मेड श्री डाउट चैत्र, इसलिए चैत्र सोचती है कि इतना पुराना फोटो अभी इतना यंग कैसे लग रहा है, शायद ये झूठ बोल रही है जो भी मेरे साथ अभी ऑनलाइन फ्रेंड बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द स्मार्ट थिंग दैट श्री डिड। क्या सबसे अच्छा चीज़ जो श्री थी उसने क्या किया, क्या स्मार्ट चीज़ है की। द स्मार्ट थिंग्स दैट श्री डिड वाज टू टेल अक्का अ ट्रस्टेड अडल्ट एवरीथिंग अबाउट हर न्यू ऑनलाइन फ्रेंड। जो श्री थी ना वो क्या कर रही थी, अपने बहुत ही करीबी अक्का थी उनसे सारी बातें वो बता देती हैं, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे कुछ सीन है। क्वेश्चन 6, द मैन हैड बीन ट्राइंग टू बी फ्रेंड मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑनलाइन टू बी फ्रेंड समवन इज़ टू। यानी जो इंसान था वो एक्चुअली में जो फ्रेंड बना हुआ था झूठ में, ठीक है, नकली फ्रेंड बना हुआ था, फेक फ्रेंड, तो वो एक्चुअली में क्या करता था, बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो ऑनलाइन फ्रेंड बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया टू बी फ्रेंड समवन इज़ टू, यानी टू बी फ्रेंड समवन इज़ टू का मतलब क्या होगा। तो इसका आंसर है मेक फ्रेंड विद देम, ए एंड बी दो ऑप्शन है, देन ए इज द राइट आंसर, मेक फ्रेंड विद देम। सी है थिंक एन आंसर। क्वेश्चन 1, द कंप्यूटर वॉज श्री फ्रेंड, डिड श्री नॉट हैव फ्रेंड्स, डिड सी डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम दिस स्टोरी। क्या जो कंप्यूटर था वो श्री का फ्रेंड था, ठीक है, क्या जो श्री के पास कोई दूसरा फ्रेंड नहीं था, या वो टोटली डिपेंड थी कंप्यूटर पर, और वो क्या क्या चीज़ें करती थी, एग्जाम्पल्स देने हैं।
तो आंसर देखते हैं, श्री हैड सेवरल स्कूल फ्रेंड विथ होम सी यूज टू चैट ऑन फ्रेंड्स नेट। अब शुरू शुरू में क्या था, जो श्री थी उसके पास कुछ स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो उनसे चैट करती थी और प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेती थी कंप्यूटर से। सी डिपेंडेंट ऑन हर कंप्यूटर फॉर इन्फॉर्मेशन नीडेड टू फिनिश हर स्कूल प्रोजेक्ट्स, आल्सो सी यूज इट टू सेंड ईमेल्स। वो कंप्यूटर एक्चुअली में प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्लस वो ईमेल सेंड करने के लिए यूज कर रही थी। क्वेश्चन टू है, हु आर चैत्र, व्हाई डू यू थिंक चैत्र वांटेड श्री टू मीट हर अलोन, यानी चैत्र कौन है, कौन था और जो चैत्र था वो क्यों अकेले मिलना चाहता था श्री से। चैत्र वाज एन इम्पोस्टर, यानी वो क्या था, एक तरह से लोगों को किडनैप करता था। He had been trying to befriend several young girls and boys online. वो हमेशा कोशिश करता था कि यंग गर्ल्स और बॉयज़ को वो फ्रेंड बना सके ऑनलाइन, ठीक है। He pretended to be a 13-year-old girls and become friends with Sri on FriendsNet. वो एक्चुअली में बहाना बना रहा था कि जो चैत्र है वो 13 ईयर यानी 13 साल का एक कौन है, बच्ची है, ठीक है। Wanted to meet Sri alone to in order to kidnap her. वो श्री को किडनैप करने के लिए मिलना चाहता था। क्वेश्चन थ्री है, श्री डिसाइडेड टू ओनली हैव फ्रेंड्स फ्रॉम हर ओन स्कूल, डू यू थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन, व्हाई और व्हाई नॉट। श्री क्या हुआ, सब कुछ जानने के बाद वो सोचती है कि मैं सिर्फ अपने स्कूल के फ्रेंड्स को ही अपने आप में क्या करूँगी, उनसे चैट करूँगी या बातें करूँगी या ऑनलाइन फ्रेंड बनाऊँगी। क्या ये काफ़ी बुद्धिमान पूर्ण डिसीजन था, ये था डिसीजन तो क्यों था और क्यों नहीं था ये बताना आपको। यस इट वॉज अ वाइज डिसीजन एज अ मेकिंग फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स कैन प्रूव टू बी वेरी डेंजरस। हाँ, ये जो डिसीजन है एक्चुअली में बहुत ही अच्छी डिसीजन थी, क्योंकि अगर हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं जिसको आप जानते नहीं ऑनलाइन, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। एज इट ऑलमोस्ट हैपन इन दैट केस ऑफ श्री, और यही सेम चीज़ें श्री के केस में भी हुआ था, क्योंकि जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो किसी दूसरे का था, वो जो फ्रेंड बना हुआ था एक्चुअली में वो सिर्फ 13 साल का एक छोटी सी बच्ची बनने का बहाना बना रहा था और श्री को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। सी हैड befriended a child kidnapper thinking that she was a young girl like her, और वो किसकी फ्रेंड बन जाती है, श्री एक किडनैपर की फ्रेंड बन जाती है ऑनलाइन, ठीक है, और वो सोच रही थी कि वो छोटी सी बच्ची है। Do you make friends online? Should we chat people we do not know? क्या हमें ऑनलाइन फ्रेंड बनाने चाहिए, क्या हमें उन लोगों से बातें करनी चाहिए ऑनलाइन जिसे हम नहीं जानते हैं? Discuss in class and write, आपको लिखना है इसको। Yes, youngsters make friends online. Kindly discuss and make your students learn from Sri experience. आपको ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में आपको अपनी क्लास में क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि हमें, अगर हमें किससे बातें करते हैं, जिसको हम पर्सनली जानते हैं, ठीक है, उन्हीं से हमें बातें करनी चाहिए, और जो भी स्ट्रेंजर हैं जिसको आप नहीं जानते हैं हमें टोटली उनको इग्नोर करना चाहिए। हमें कभी भी उनसे बातें नहीं करनी चाहिए और कुछ दिया हुआ उनसे नहीं खाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दिया फिल ब्लैंक्स, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप्स, टैक्सी ड्राइवर, पहले वाले में फिल करना है, दूसरे में फिल करना है कंप्यूटर, तीसरे में अक्का, एंड फोर्थ वाले नंबर में आपको भरना है फ्रेंड्स नेट, और पांच वाले नंबर में भरना है अनफ्रेंड, और सिक्स है लास्ट मधु और फिल्म स्टार, ये आपको फिल करना है। तो आई होप आपके वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्टडी में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।